नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और गलती से आप पासवर्ड भूल गए हो, आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट के पासवर्ड अगर आप भूल गए हो, तो ये पासवर्ड कैसे रिकवर करें या तो पासवर्ड कैसे फॉरगेट करें, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आपको इस वीडियो को एक भी मिनट स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है, तब जाके ही आप आपके अकाउंट के पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हो या तो आप फॉरगेट करके रिकवर कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट के पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए या तो रिकवर करने के लिए आप सबसे पहले इंस्टाग्राम अपडेट कर लीजिए। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ आप लिख लीजिए इंस्टाग्राम, अगर अपडेट मांग रहा है तो यहाँ से अपडेट कर लीजिए। अपडेट हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस करनी है आगे। अपडेट हो जाने के बाद यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ जो लिंको आइकन दिखाई दे रहा है तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ इस तरह आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ जो थ्री डॉट आपको जो दिखाई दे रहा है वहीं पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक कर लेता हूँ। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है हमें। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है हमें। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम यहाँ ये करना है आपको, सेव्ड लॉगिन करके जो यहाँ ऑप्शन है तो उस पर हमें क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कोई भी जो भी अकाउंट का पासवर्ड आपको फॉरगेट करना है तो इसका सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से थर्ड नंबर का जो अकाउंट है उस पर पासवर्ड जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो उसमें सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सबसे पहला काम यही करना है आपको कि सेव द लॉगिन जो अगर यहाँ ऑफ है तो उसको आप ऑन कर लीजिए। ऑन करने का फ़ायदा यही है दोस्तों कि अगर आप गलती से अगर लॉग आउट हो गया या तो मतलब जानबूझ के अगर लॉग आउट कर दिया है तो फिर भी आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपको आपके पास से पासवर्ड नहीं मांगेगा, वो अपने आप से पासवर्ड ले लेगा। ठीक है, तो ये सेव द लॉगिन जो है वो ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको बैक चले जाना है। तो मैं यहाँ से बैक चले जाता हूँ। बैक चले जाने के बाद यहाँ आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करोगे यहाँ तो यहाँ से पासवर्ड आप रिकवर कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। यहाँ आपका अकाउंट अगर एक से ज़्यादा है तो ये सिलेक्ट कर लेना है, मतलब ऊपर वाला जो है वो फेसबुक अकाउंट है लेकिन नीचे का जो दो अकाउंट है तो इसमें से कौन सा पासवर्ड, कौन से अकाउंट का आपको पासवर्ड चेंज करना है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ थर्ड नंबर का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड हम चेंज करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये दिक्कत यह है दोस्तों कि इसमें करंट पासवर्ड आपको मतलब लगाना होगा, उसके बाद ही चेंज पासवर्ड होगा। तो करंट पासवर्ड जो है मतलब के जो पहले रखे थे वही पासवर्ड तो आपके पास है ही नहीं, तो आप किस तरह चेंज कर पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये करंट पासवर्ड जो है वो कहाँ से लाए। तो हमें करंट पासवर्ड लाने के लिए आपको सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। यहाँ से आपको मतलब बाहर निकल जाना है अभी मतलब, और उसके बाद यहाँ आपको मेल में जाना है। ठीक है, आप यहाँ मेल लिखिए तो यहाँ मेल आ जाएगा। यहाँ आपका पासवर्ड जो मतलब जो भी पुराना जो है अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मेल में जाएंगे और यहाँ जो लोगो दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने जो भी अकाउंट जब बनाया था इंस्टाग्राम का और पास ईमेल आईडी जो डाली थी वही आपको ईमेल आईडी यहाँ सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से ये ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहली आईडी जो है यहाँ वही आप हमने मतलब डाली थी। तो मैं यहाँ आपको नीचे जो है मैनेज योर गूगल अकाउंट उस पर क्लिक करना है। अगर एक से ज़्यादा अगर आपकी ईमेल आईडी है तो ही ये ऑप्शन आएगा, वरना तो गूगल अकाउंट ही सिर्फ आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैनेज योर गूगल अकाउंट पे हमें क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो भी मतलब ईमेल आईडी अगर दूसरी अगर सिलेक्ट की है आपने मतलब डाली थी जब भी अकाउंट बनाया था तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ इतनी ईमेल आईडी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने यही ईमेल आईडी डाली थी। तो यहाँ आपको सिक्योरिटी पर जाना है। यहाँ इस तरह स्क्रॉल करोगे तो यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो यहाँ सिक्योरिटी पर क्लिक कर लेना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ काफ़ी सारे पासवर्ड आपको मिल जाएंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट के पासवर्ड नहीं
काफ़ी फेसबुक का भी अगर पासवर्ड है आपके मोबाइल में, जितने भी ऐप है उसका पासवर्ड आपको, जितने भी अगर ये ईमेल आईडी डाली थी जब अकाउंट बनाते समय, तो ये सभी का पासवर्ड आपको यहाँ ऑटो सेव हो जाता है और यहाँ से रिकवर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ काफ़ी सारे पासवर्ड जो मेरे मोबाइल में ऐप है इसका सभी का पासवर्ड यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट के पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में दो अकाउंट है, यहाँ दोनों ही अकाउंट का पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो भी मतलब लॉक है तो वो लॉक ओपन करने के बाद यहाँ आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ यही अकाउंट का पासवर्ड मुझे चाहिए था, तो यहाँ से आप ओपन करोगे तो यहाँ पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आपने कॉपी करना है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ कॉपी कर लेंगे और यहाँ जहाँ से मतलब हम एग्जिट हुए थे वहाँ फिर से करेंगे यहाँ, और यहाँ से हम ये पासवर्ड जो है वो डाल देंगे। यहाँ पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ नया पासवर्ड डाल दिया है, पहले मतलब जो भी नया पासवर्ड डालोगे उसके बाद यही पासवर्ड आपको यहाँ थर्ड नंबर के ऑप्शन पे डालना है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि एक मतलब स्पेशल कैरेक्टर वाला जो अक्षर जो है होना चाहिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए आपका, और यहाँ एक कैपिटल अक्षर भी होना चाहिए। मतलब कि इस तरह मैंने जो यहाँ पासवर्ड एग्जाम्पल तरीके डाला है, तो यहाँ इस तरह आप पासवर्ड डाल सकते हो, वरना आप पासवर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सपोज़ कि ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं अगर बताऊं कि आपकी ईमेल आईडी में अगर पासवर्ड सेव नहीं है, या तो मतलब नहीं आया है, आपको ये पता नहीं चलता है, तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। क्या अपना सकते हो, यहाँ से आप नीचे ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है फॉरगेट योर पासवर्ड, ठीक है, तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको, तो यहाँ आपकी ईमेल आईडी जो यहाँ दिखाई दे रही वही ईमेल आईडी पर आपका एक लिंक चली जाएगी। तो मैं यहाँ से ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ और लिंक चली जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ मेल आईडी मैंने जो ओपन कर ली है और यहाँ मैसेज भी इंस्टाग्राम से आया है, तो यहाँ लिंक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ रीसेट योर पासवर्ड करके जो ऑप्शन आया है, तो यहाँ रीसेट योर पासवर्ड करेंगे और रीसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको दो बार नया पासवर्ड डालना है और उसके बाद यहाँ रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा या तो रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह ये दूसरे तरीके से आप पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हो, पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। तो इस तरह अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।